हेलो गाइस, अब मैं जा रहा हूँ ड्रेसिंग रूम में, देखते हैं मिलते सर से। ओह माय गॉड, वाओ, अरे 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 इतना सम्मान यार, इतना सम्मान, इतना सारा सम्मान यार, इतना सारा सम्मान, इतना सारा सम्मान। सामान है यार, है क्यों क्यों कर रही है ऐसे? डांस कैसे करती है वो बताओ। दर्शिता डांस कैसे करती है बताओ। ऐसे आप ऐसे नहीं कर सकते, आप नहीं मजाक उड़ा सकते। और पहली बात मजाक नहीं उड़ाना है, बता रहा हूँ। तो आपने मुझे तो बोला है कि सपोर्ट करो मुझे, तो मैंने बोला ना कि मैं रील को कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ। बस एक ही ऑप्शन है आपको, अनफॉलो करने वाला। नहीं नहीं, अरे अच्छी है रील, अच्छी बनाते हो, पर एक ही रील हर गाने पे है, हर गाने पे। ये आप बहुत इंटेंस मजाक उड़ा रहे हो, जिससे मैं भी ऑफेंड हो रहा हूँ, समझ रहे हो? अपनी सिस्टर के साथ मैं नहीं करना चाहता है। सबके सब पागल फॉलो करो, कमेंट करो, बाय लाइक करो, अनफॉलो करो, दर्शन को अनफॉलो करो, हमारे अधिकृत भाई को भी लाइक शेयर किए, लाइक शेयर करो। ठीक है गाइस, जैसी आपने मेरी एंट्री की थी वैसी मैं एग्जिट लेता हूँ। वाह, जोरदार तालियों के साथ। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक्स, लव यू, लव यू, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। ये किसका बेबी है? ये है मेरे मालिक का बेटा। मालिक, मालिक या मालिक? मालिक। अच्छा, मालिक की बेटी है। हाँ, मेरे मालिक का नाम है मनोज। एंड तो इंटरव्यू हो गया यार, ये तो जितना थोड़ा जितना वो स्वीट नहीं है ना, बहुत क्यूट है ये। को क्या नाम बताया आपने उनका? बेटी का या पापा जी का? पापा जी का, पापा जी का नाम है मिस्टर मनोज। क्यूटी बदे वो अपने काम में लगने के लिए बच्चों को फोन दे देते हैं आजकल के पेरेंट्स। शिट यार, हमारे मम्मी पापा बाहर फेंक देते थे हमें, ऑल्सो बाहर फेंक देते थे, नो फोन, नथिंग। होता ही नहीं था सच्ची में, होता ही नहीं था। फोन क्या होता मैं पता नहीं, टीवी पता है, टीवी दे दो, रिमोट दे दो, कार्टून देखो, वो भी एक घंटे के लिए मिलता था। शिट यार, शिट यार, कभी कभी आई फील सैड फॉर दीज बच्चे, न्यू जनरेशन। कोई नहीं कोई नहीं, आप इनके क्या मनोज सर के भाई हो आप? अरे अरे, ऐसा लग रहा है अभी पूरी फैमिली बैठी है और यहाँ रिसेप्शन पे आए हुए आप लोग। बच्चा बीच में है, यहाँ पे आप बैठे हैं। इस बात पे मिलता है तो मैं लो लो लव। थैंक यू, ले लिया लव, बाय बाय। प्रतीक सर, प्रतीक सर, अभी ना अब क्या बोला जाएगा, अच्छे ही बोलोगे ना? अच्छे बेटे, कैमरा ऑफ हो तो बहुत ऐसा बिल्कुल नहीं ना, ऑन है इसकी दूसरी जगह, बहुत लाजवाब माइंड में, आई लव यू यार। या थैंक यू सो मच, मैंने तीन डॉट्स ऑफ कर दिया था फिर भी। आप कुछ कहते हो कि यू हेट दिल्ली पीपल्स? पीपल्स, पीपल्स, बिकॉज पीपल इज वेरी स्मॉल। पहली बात तो पीपल्स कभी नहीं होता, पता पीपल ही होता, पीपल क्योंकि ऑलरेडी वो अप्रूव है, पीपल्स होते हैं। रूलर सिंगुलर। आई हेट दिल्ली पीपल बिकॉज दे आर नॉट लाइक मुंबई पीपल।
शुभ सर, शुभ सर, विंडो विंडो, ओ शिट, बेड पे आ गए भाई, बेड पे, ओ अभी रील बेड पे बनती है, सब की सब आई लाइक योर स्माइल साउंड. ओए होए हीरिये सहरा बांध के मैं तो आया. यहाँ से हमारे पैसे आते हैं सारे, यही हैं जो हम इनवॉइस भर के देते हैं. इनको एक बार ध्यान से देख लो, इनके चेहरे से लगता है कि ये पूरे शो को पैसा देते हैं. हाँ नहीं, यूट्यूब पे डालूंगा, सबको दिखाऊंगा कि सबको लगता है कि हम पे पैसा है, हम पे पैसा है, उन पे पैसा है, पर एक्चुअल पैसा इनके पास है. हाँ ये पूरी टीम है. यहाँ से सब कपड़े ऑडिट होते हैं, लोगों के जितने भी चेक है यहीं से पास होते हैं, बाउंस भी यहीं से होते हैं. ये सबका ध्यान रखते हैं हमारे. ओ शिट, ये क्या था यार. ये तो मैं तो रुपेश भैया के लिए आया था यहाँ पे, तो सो रहे हैं भैया. यार टाइम स्पेंड कर रहे हो यार, व्हाट अ लवली क्वालिटी टाइम. ओए कुछ है भी नहीं बीच में, क्या देख के टाइम स्पेंड कर रहे हो. नाखून उखड़ रहे हैं ना, इधर से बढ़ गए तो देख रही हूँ मैं. लग गई है डांस करते करते. अकीना ठीक कर देगी. अकीना, अकी डॉक्टर अकीना, डॉक्टर अकीना काट. हाँ हाँ हाँ, कितने स्वीट लग रहे यार, यार हाउ स्वीट यार, लवली लवली कपल यार. सर अच्छा ये मतलब ऐसा सेंटेंस पूरा करने के लिए बोला, लवली अकेला अच्छा नहीं लगता ना, तो लवली कपल. ऐसी गाइस कपल को इग्नोर करें, बस लवली सुने, लवली कपल यार. देखना जरूरी है. वो थक गए हैं सुबह से, बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं. सुबह 4 बजे आ गए थे प्रैक्टिस के लिए. हाउ स्वीट यार, हाउ स्वीट. लो भाई सुबह सुबह, कल रात को बहुत लेट सोए, कल बहुत टाइम बाद मुझे सपने आए, बहुत सारी चीज़ों के. फिर मैं 4:30 बजे सोया पढ़ करके. रोहन के आए थे, मुझे क्यों आएंगे आपके सपने, नेपो को आने चाहिए. हाँ ये अच्छा, ये रोहन को आना चाहिए, नेक्शन को आना चाहिए. नेक्शन को नहीं, नेक्शन को याद है कि मुझसे गला दबा रही है, उसके सपने आते हैं, जो हकीकत करना है मुझे. वैसे ऐसा क्यों, उसके खिलाफ इतनी मतलब खुंदक क्यों है आपके अंदर, इतना जहर क्यों खुला हुआ है आपके अंदर. वो मुंह खोलता है तो खराब दिखता है मेरे को. और उसका भी मुझे लगता है ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका सोचने का नजरिया भी ऐसा है. नहीं मैं तो इसको फ्लर्ट करना चालू कर दी बहुत. हां आ हां, आपने आपने आ गया ना, टेक्निकल आ गया. अरे चाचा गोलगप्पे कहां लगे. मेरा सारे व्लॉग अधूरे हैं आपके बिना, पता है आपको. आई लव यू मेरा राजा, तुम पागल हो, तुम जो करो राजा, तुम पागल हो जो करो. सनी ये क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो. 5 minutes later. अरे हेलो तन्वी जी, हाउ आर यू. आपने कल का मेकअप नहीं उतारा. हाउ आर माय आईज लुकिंग, यू आर लुकिंग गॉर्जियस, यू आर लुकिंग गॉर्जियस. यू आर लुकिंग गॉर्जियस. मैंने मैं बस ओह चले. आज मेरा लूज कर्ल्स और रेड रोजेस करने वाली. उमेश दादा को जो हेल्दी दे रही है ना उसे. हां या दोनों. बाय तन्वी जी, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू. सेम हियर. बाय. गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया. गाइस बहुत टाइम बाद मैंने व्लॉग दोबारा बनाना स्टार्ट किया है, पर ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है ना वो दी नहीं जाती है. जैसे गाइस हम देखो कैब में बैठ गए हैं, ये हमें बाहर तक ड्रॉप करेंगे जहाँ से हम ऑटो ले सकें. और अभी हम मैं जा रहा हूँ वहाँ पे फिनाले की प्रैक्टिस पे, क्योंकि मैं बीच में जा रहा हूँ दिल्ली घर पे दिवाली के लिए, तो मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है, तो इसलिए मैं पहले एक दिन जाके प्रैक्टिस कर लूँगा, उसके बाद देखते हैं राम भरोसे. क्यों दिखा बस, ऐसा क्या होता है ऐसे कैमरे. स्टाइलिश तेरी. नहीं नहीं नहीं. हाँ यार मैं इंट्रोड्यूस तो करना भूल गया आपको. ऐसे नहीं इंट्रोड्यूस मत कराइए, जब फिनाले की बात कराना. ये मेरी स्टाइलिस्ट जो पूरा शो अभी स्टाइल कर चुकी है, अभी आकर मैं बता रही हूँ कौन है. ठीक है, अब वैसे पता चल जाएगा इनको, इनको पता ही है. रीमा जी मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, रीमा जी इज वेरी फेमस. यस वेरी फेमस. और
जो लास्ट ब्लॉग मैंने अपलोड किया था ना इसमें, तो लोगों को पता चल गया था कि रीमा जी इतना स्ट्रेस में कैसे हैं, मतलब कैसे ड्रेस चेंज कर दी इन्होंने। अनिकेत परेशान कर रहा है शायद रीमा जी को। नहीं, अनिकेत नहीं परेशान करता, अच्छा आर्टिस्ट है। थैंक यू सो मच। ये सिर्फ आप कैमरे के लिए बोल रहे नहीं, बाहर का वेदर देखो, रात को बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है फिल्म सिटी का वेदर। नहीं, नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि रात के समय ना ये ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है और फ्रेश 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 स्मेल भी अच्छी हो जाती है रात को, एकदम ताजी हवा आती है। बस चीता भी मिलता यहाँ पे। तेंदुए का बहुत इशू है यहाँ पे, तेंदुआ मतलब उनका घर है मेन। अपन लोग बीच में, मतलब हम लोग यहाँ पे फिल्म सिटी खोल के बैठे हैं, बाकी मेन ये जंगल ही है पूरा, तो उनका एक्चुअल घर है और हमने बीच में अपनी जगह बना रही है फिल्म सिटी के। क्यों सही क्या गलत कह रहे हैं? आ जाते हैं बाहर जब उनका मन करता है कि आज फैमिली के साथ बाहर डिनर पे चलते हैं, तो वो बाहर आ जाते हैं इन सड़कों पे। जैसे ये डॉग बैठा है ना, इसी की जगह पे चीता बैठा होता है रात को, तेंदुआ बैठे होते हैं। ये हमारे ड्राइवर भैया हैं, इनकी मूछें आई हुई हैं और इन्होंने लाइट पिंक कलर की पैंट पहनी हुई है और ये हाँ नहीं और भैया हल्की सी लेफ्ट हैंड साइड से थोड़ी सी स्माइल कर रहे हैं, आप ऊपर वाले शीशे में देख सकते हैं। आ हाय आप पूरी हो दादा, आपका नाम? प्रियांशु पांडे सर। प्रियांशु पांडे, आप कहाँ से हैं? प्रयागराज। प्रयागराज, क्या बात है, आपको पहली बार देखा है यहाँ पे मैंने। हम थोड़ी आते हैं। नहीं नहीं, मैं तो आता हूँ, मैं इस हफ्ते रेगुलर आया हूँ। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे कि मैं रोज स्टोरी लगा रहा हूँ यहाँ पे फिल्म सेट। यस अंशुल, व्हाट्स अप क्रेजी ब्रो। अब इनको बता दे कि चीज की प्रैक्टिस चल रही है, रेडी फॉर फिनाले। यार ये सम्मत भी आ गया यार।